दोस्तों 90 के दशक की अभिनेत्रियों में जहां हर किसी की जुबान पर करिश्मा, रवीना और जूही चावला का नाम आता है, तो वहीं इनमें दर्शकों की चहेती नगमा का भी नाम शामिल है, जिन्होंने 90 के दशक में सुहाग और बागी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर दर्शकों को अपना फैन बनाया, जिसकी वजह से आज भी दर्शक इन्हें काफी ज्यादा प्यार देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप अभिनेत्री नगमा के बारे में तो सब कुछ जानते होंगे, पर क्या आप इनकी रियल लाइफ फैमिली के बारे में जानते हैं कि इनकी फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? नहीं जानते होंगे, इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनकी फैमिली से जुड़े इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। अगर आप भी इन्हीं सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ ही अपनी फेवरेट नगमा के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली नगमा मुंबई के एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जिनके परिवार में इन्हें मिलाकर कुल 9 सदस्य हैं, जिनमें ये, इनके माता पिता, इनके और भाई बहन शामिल हैं। बात करें इनके इसी परिवार की तो बता दें, इनका ये परिवार शुरू होता है इनके पिता अरविंद मुरार जी से, जो आज हमारे बीच नहीं है, जिनकी बढ़ती उम्र की बीमारियों के चलते साल 2005 को ही निधन हो गया था। पर आपको बता दें कि इनके पिता पेशे से एक काफी सफल बिजनेसमैन थे, जिनके साथ नगमा का काफी खूबसूरत बॉन्ड था, जो कि आप इनकी इन तस्वीरों से साफ देख सकते हैं। पिता के बाद बात करें इनकी मदर के बारे में तो बता दें, इनकी माता का नाम शमा काजी है, जिन्होंने साल 1969 में अरविंद मुरार जी से शादी की थी, जिनके आगे चलकर 3 बच्चे हुए, जिनमें नगमा, युवराज और धनराज का नाम शामिल है। पर अफसोस, इन दोनों का रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक चल ना सका और 3 बच्चे होने के बावजूद दोनों ने साल 1975 में फिल्म प्रोड्यूसर चंदर सदाना से शादी कर ली थी, जिनसे आज इन दोनों के 3 बच्चे हैं, जिनमें ज्योतिका, रोशनी और सूरज का नाम शामिल है। माता पिता के बाद बात करें इनके भाई और बहनों के बारे में तो आपको बता दें, नगमा के कुल 5 भाई बहन हैं, जिनमें सबसे पहले बात करें इनकी बहनों की तो इनकी बहनों में ज्योतिका, रोशनी का नाम शामिल है, जिसमें ज्योतिका एक अभिनेत्री हैं जो साउथ इंडस्ट्री का एक काफी जाना माना नाम है, जिन्हें आपने चंद्रमुखी और कैथरीन मोली जैसी फिल्मों में देखा होगा। वहीं आज साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर अभिनेता सूर्या के साथ शादी करके अपना घर बसा चुकी हैं, जिसकी वजह से साउथ के मशहूर अभिनेता सूर्या रिश्ते में नगमा के जीजा लगते हैं, जिनके साथ भी इनका काफी अच्छा बॉन्ड है। वहीं बता दें, ज्योतिका की तरह ही इनकी दूसरी बहन रोशनी भी साउथ इंडस्ट्री की एक पॉपुलर अभिनेत्री हैं, जिन्हें आपने शिष्य और पवित्र प्रेम जैसी फिल्मों में देखा होगा। बहनों के बाद बात करें इनके भाइयों के बारे में तो बता दें, नगमा के दोनों सगे भाई युवराज और धनराज लाइमलाइट से दूर रहते हैं, जिसके चलते इनकी ना के बराबर ही तस्वीर देखने को मिलती है। वह इनके सौतेले भाई सूरज सदाना पेशे से एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, जो आज अपने करियर में काफी ज्यादा सफल है। अंत में बात करें नगमा की पर्सनल लाइफ के बारे में तो बता दें, इन्होंने अब तक शादी नहीं की है, पर इनका कई मशहूर हस्तियों के साथ नाम जोड़ा जा चुका है, जिनमें सबसे पहले शामिल हैं आर शरत कुमार, जिनके साथ नगमा काफी अच्छे रिलेशनशिप में थी, पर कुछ समय के बाद ही इन दोनों के बीच काफी मतभेद होने लगे, जिसके चलते इनका ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद इनके जिंदगी में एंट्री ली मशहूर क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने, पर उनके साथ भी इनका रिश्ता चल ना सका, जिसके बाद एक नई उम्मीद के साथ नगमा की जिंदगी में अभिनेता रवि किशन आए, पर रवि किशन भी पहले से शादीशुदा थे, जिसकी वजह से इनका ये रिश्ता भी सफल नहीं हो पाया और इसीलिए ये आज भी सिंगल है। तो दोस्तों, अभिनेत्री नगमा की फैमिली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।